नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर के गांव छाहड़ में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हुई मौत, एक गंभीर घायल। जालंधर की गीता कॉलोनी में चोरों ने NRI की कोठी को बनाया निशाना, AC, फ्रिज और LED सहित कई सामान चोरी कर हुए फरार। बठिंडा में ऑनलाइन चाइना डोर की बिक्री का मामला आया सामने, पुलिस जांच में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के गांव छाहड़ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 6 वर्ष का बच्चा भी शामिल है, जबकि एक महिला का पटियाला के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ऑल्टो गाड़ी संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क किनारे बने पाइपलाइन के डिवाइडर से जा टकराई, जिस कारण यह हादसा हुआ। गाड़ी में सवार सभी सदस्य एक लोहड़ी समागम से वापस आ रहे थे कि देर शाम यह हादसा हो गया। इस मौके पर पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर घायल है, जिसे पटियाला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। बहुत ही ज्यादा जरा हादसा होया है चार्ल्स नाम रोड से। मौके से असं पहुंचे हैं तो सू पता लगे है कि एक ऑल्टो गड्डी का एक्सीडेंट होया है, जिसे छे लोग सके, जिन्हों चो 5 लोगों की मौके पर डैथ हो गई है जी। तो उन्होंने एक जी लेडी है उन्होंने रेफर किया गया जी पटियाला हॉस्पिटल में। उन्होंने भी जो दसाया गया है कि एक हेड इंजरी है तो एक बांह इंजरी है जी। तो जोड़े 5 लोगों की डैथ हुई है, उन्होंने एक बच्चा भी सगा दसते ने, जोड़ा एविडेंस हैगा मौके पर कुछ कपड़े है बच्चों के, छोटे बच्चे दे, ते उस तो पता लगता है कि बच्चे की उम्र भी 6-7 साल की होगी जी। जालंधर की गीता कॉलोनी में चोरों द्वारा एक NRI की कोठी को निशाना बनाते हुए लाखों रुपयों की चोरी को अंजाम दिया गया। इस संबंधी NRI के भाई ने बताया कि उसका भाई विदेश में रहता है और उससे घर की चाबियां पड़ोसियों के पास थी। सुबह पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि उनके घर में चोरी हो गई है। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस को बुलाया गया। सूचना मिलने पर भार्गव कैंप थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चोर घर से AC, फ्रिज, LED सहित कई और भी सामान चोरी करके ले गए हैं। इस बाबत चोरी की शिकायत दर्ज कर ली गई है और अगली कानूनी कार्यवाही की जा रही है। जल्द ही चोरों को काबू कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर, की मामला की सारा जरा चोरी का? चोरी का मामला है, असी अज तो 4 महीने पहले इतने किराएदारा तो तंग सके सारे महल वाले निवासी, किराएदार सानू कोई पता नहीं, क्योंकि इतने डीलर की करते हैं कि अपने कमीशन के लालच के कितों आया किराएदार, किहड़े एरिए तो उठ के आया, ना तो पुलिस थाने कोई इनकुआरी दी है उन्होंने, या उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दते हैं, ना इतने महल कोई मोहतवारा पुछ के कि हाँ भी मैं असं किराएदार रख लगे हाँ कि रखवा लीए कोई तुम असं अपने बेस से इनकुआरी करने तैयार हाँ। सानू कोई भी जिन्हें भी मकान ले हुए सानू तो भी नहीं पता मकान है कि ਦਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ SHO ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ PA ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ
ਓਕੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਸਕਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਹੋਈ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨ ਸਰ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਥਾਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੈਕਰੋਵੇਵ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਫਰਿੱਜ ਪੱਖੇ ਤੇ ਗੀਜ਼ਰ जैसे जैसे बसंत पंचमी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की ओर से इस त्यौहार को मनाने के लिए चाइना डोर अलग अलग तरीकों से मंगवाने की कोशिश की जा रही है।
बठिंडा में ऑनलाइन चाइना डोर मंगवा कर धड़ल्ले से उसकी डिलीवरी की जा रही है। बठिंडा में ऑनलाइन चाइना डोर मंगवा कर पुलिस के सुपुर्द करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते नौजवान सतेंद्र कुमार ने बताया कि ऑनलाइन सरेआम पाबंदीशुदा चाइना डोर की बिक्री की जा रही है। उसके द्वारा एक वेबसाइट के माध्यम से चाइना डोर जिला प्रशासन को सूचना देने के बाद मंगवाई गई थी, और जब डिलीवरी बॉय इस चाइना डोर के गट्टू की डिलीवरी देने आया तो उसकी ओर से इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। सतेंद्र कुमार ने बताया कि डिलीवरी बॉय ने खुलासा किया है कि अब तक वह 150 के करीब लोगों को चाइना डोर की डिलीवरी की जा चुकी है। सतेंद्र कुमार नामक नौजवान द्वारा इस ऑनलाइन चाइना डोर की बिक्री करने वाली कंपनी के खिलाफ शिकायत दी गई है। इस मौके पर SHO कोतवाली परमिंदर सिंह ने कहा कि उनके पास एक नौजवान की ओर से ऑनलाइन चाइना डोर की डिलीवरी की शिकायत दर्ज करवाई गई है और उनकी ओर से इस मामले की जाँच की जा रही है, जिसके बाद बनती कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अज असी दुकाना का सर्च अभियान चलाया हुआ सी चाइना डोर दे रिलेटेड, ते अज असी सीक्रेट इनफॉर्मेशन ते दो दुकाना ते रेड की गई, ते सानू चाइना डोर काफ़ी चाइना डोर मिली, 15-20 गट्टे ने कहते चाइना डोर मिले। हाँ जी हाँ मिले ने। इन्होंने असल च पहला गाहक तो पैसे लै लेंदे सी, ते बाद उन्होंने टाइम देंदे सी घंटा डेढ़ घंटे बाद ये उन्होंने प्रोवाइड कराते। इन्होंने उपर अपनी मैमटी सी जी मैमटी के उपर लुकोए हुए से पानी की टैंकी सी और उत्ते बिच लुकोए हुए थे बाजार के दुकाना जी मेन। हाँ जी हाँ इन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई से इन्होंने खिलाफ परचा दर्ज किया जाएगा। हाँ जी हाँ सारे जो अपने एरिए थाने के अंदर जो भी है दुकाना जितने भी है डोर मिलती है उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। रेड क्रॉस की सहायता से बठिंडा के सरकारी अस्पताल में शुरू किए गए डायलिसिस वार्ड का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर के द्वारा किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि रेड क्रॉस की ओर से स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर यह प्रयास किया गया है, जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है और आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो वही 108 एम्बुलेंस ड्राइवरों द्वारा अनिश्चितकाल समय के लिए हड़ताल पर जाने पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि 108 एम्बुलेंस के ड्राइवरों के साथ स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं, जल्द ही इस मामले का हल कर लिया जाएगा। आज का दिन जड़ा सिविल हॉस्पिटल सात डायलिसिस मशीन रखी गई शुरू की लगता पूरा बठिंडे वासी आस पास के भी बहुत सारे लोगों खुशी की खबर है कि लोहड़ी वाले दिन सेहत के सिस्टम दे विच एक बहुत बड़ा उपराला किया गया है, ते मैं मुबारकबाद भी देवांगी सारे नूं। भारत सरकार द्वारा सिख फौजियों को दस्तार की बजाय जबरन हेलमेट लागू करने पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह का तीखा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसकी निंदा की है। भारत सरकार वालों सिख फौजियों नूं आने वाले समय के हेलमेट पहनाने संबंधी यतन किए जा रहे हैं, ये मीडिया राही पता लगे। अजिहे जतन अंग्रेज सरकार ने भी दूसरे विश्व युद्ध दौरान किए सन। उस वक्त सिख फौजियों ने ब्रिटिश हकूमत के इस फैसले को जिहड़ा सी वो रद्द किया सी, क्योंकि दस्तार सिख दे सिर ते बन्निया कोई 5-7 मीटर का कपड़ा नहीं है, ये गुरु साहब वालों बख्शिया सानू ताज है और साड़ी पहचान का प्रतीक है, ते साड़ी पहचान दे प्रतीक दस्तार दे उत्ते किसी किस्म का टोप पाउणा ये साड़ी पहचान नू खत्म करन दे यतन वजों ही वेख्या जाएगा और ना ही पंथ इस नू किसी कीमत दे उत्ते बर्दाश्त करेगा। साड़ी परंपरा दे विच साड़ी मर्यादा दे विच टोपी पाउणा जिहड़ा सिख नू ये वर्जित करार दिता है, चाहे वह कपड़े की होवे ते चाहे वह लोहे की होवे। होए सिख सिर टोपी तरह सात जन्म कुश्ती होए मरै, ये साडे स्रोतां दे विचों उदाहरण जिहड़ियां ने वह मिलदियां ने। साडा रक्षक अकाल पुरख है, दूसरे विश्व युद्ध दौरान सिखां ने दस्तारा सजा के अपनी बहादुरी दिखाई। 1965 1962
1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋ ਟੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਗਾਓਂ ਸਾਂਪਲਾ ਕੀ ਬੇਟੀ ਇਸ਼ਿਤਾ ਓਹਲਿਆਨ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਠਿਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ 15ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਯਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਵਹ ਭਾਰਤੀ ਸੇਨਾ ਮੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕੇ ਪਦ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ਼ਿਤਾ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹ ਫਰੰਟ ਪਰ ਰਹਿ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਤੋ ਵਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਿਲਾ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਿਤਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੇਂ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਕਾ ਜਨੂਨ ਹੋ ਤੋ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਇਸ਼ਿਤਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਪਰ ਵੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸੀ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਮੇਂ ਬੇਟੀ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਸੇਨਾ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੀ ਕੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਲੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਕਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਰਧਨ ਕੀਆ ਔਰ ਵੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਗੋ ਸੇ ਵੀ ਯਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਓਂ ਕੋ ਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ। तो मेरा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ये UPSC के एग्ज़ाम करवाती है, वो क्लियर हुआ है। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 15th। एंड एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम ये साल में दो बार होता है, एक होता है अप्रैल में, एक होता है सितंबर में। तो ये मेरा लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने इसको क्लियर किया था, मैंने सितंबर वाला भी क्लियर किया था, बट अप्रैल वाले की फिर मेरी रेसिस भी पहले आई इन नवंबर, फिर वहाँ पर मैं रिकमेंड हुई, फिर मेरे मेडिकल्स वगैरह हुए एंड फाइनली अभी 12th को मेरा मेरिट आई है जिसमें आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 15। तो लड़कियां ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि डॉक्टर बने और या सिविल सर्विस में जा करके काम करें, तो फिर आपने सेना को क्यों चुना? तो माय ग्रैंडफादर, ही इज़ अ रिटायर्ड सूबेदार फ्रॉम इंडियन आर्मी इटसेल्फ। तो आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हिज स्टोरीज अबाउट हिज वेंचर्स इनटू आर्मी। तो एक इंक्लिनेशन, एक इंटरेस्ट तभी बहुत पहले ही डेवलप होने लग गया था। तो फिर उस इंटरेस्ट को मैंने परस्यू किया व्हेन आई वेंट इनटू कॉलेज। तो आई टुक NCC एंड आई डिड मल्टीपल कैंप्स देयर। मैं फॉर दैट मैटर मैं OTA चेन्नई में भी मैंने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था। आई वाज पार्ट ऑफ PM रैली पैरासेलिंग ऑल्सो। तो वो इंटरेस्ट वहाँ से और ज़्यादा डेवलप होता ही रहा। एंड फिर एक मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स और सीनियर्स थे जो उस लाइन में जा रहे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया और फिर मुझे थ्रू आउट काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले। तो उसके साथ साथ होते 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 फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर आई वेंट फॉर SSBs एंड जिस चीज़ें होती रही सब ठीक। ये कहना है कि बच्चे ने मेहनत की और उसकी मेहनत कामयाब हुई, परिवार को बहुत खुशी है और इसको मोटिवेशन था। इसके दादाजी से मिला, वो आर्मी से सुविधा रिटायर है, मेरे पिताजी 3 लड़ाइयाँ लड़ी तो वो कहानियाँ सुनाते थे, उससे मोटिवेशन आया इसमें और इसने ये रास्ता चुना और परिवार बहुत खुश है कि इसने वो क्रैक करके और ऑल इंडिया में इसकी 15वीं रैंक आई है। तो आज परिवार में बहुत खुशी है, परिवार ने जो भी इसको प्रोवाइड करवाना था वो करवाते थे, कोई कोचिंग वगैरह की अगर ये कहे तो वो, या कोई बुक्स या किसी से कोई जैसे सलाह लेनी होती है, या भी कोई जैसे हमारे रिश्तेदार हैं कर्नल दैया, वो रिटायर कर्नल हैं, वो आ जाते थे, उनसे बात करवा देते थे। फिर इनकी बुआ जी हैं जो डॉक्टर सुनीता से बात से, वो UGC में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उनसे बात करवा देते थे। तो ये आपस में सारी बातें होती रहती थी भाई, कैसे मोटिवेशन करना है, कैसे प्लान करना है, क्या रास्ता है, तो उसके बारे में करते थे। जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। तो वहीं लाहौल घाटी के राशेल गांव में गत दोपहर को पहाड़ी से हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन के चलते पूरा गांव बर्फीले तूफान की जद में आ गया। हालांकि इस तूफान के चलते कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हिमस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गत दिवस गाँव के सामने की पहाड़ी पर हलचल हुई और एक बड़ा हिमखंड टूट कर नीचे की ओर आ गया, जिस कारण पूरे क्षेत्र में बर्फीला तूफान आ गया। तो वहीं लाहौल घाटी में हुई बर्फबारी से घाटी में वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई है। इस मौके पर लाहौल स्पीति के पुलिस अधीक्षक मानव वर्मा ने बताया कि अटल टनल से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। टनल के आसपास भारी बर्फबारी हुई है, लिहाजा धुंधी से अटल टनल नॉर्थ पोल के बीच कई जगह हिमखंड खिसकने का खतरा है। पायल के मलोद कस्बे में विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने पतंगों की दुकान पर रेड की।
इस दौरान दुकान में से चाइना डोर बरामद हुई। इसके साथ ही विधायक ने खन्ना के एसएसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। विधायक ने पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से चाइना डोर बिकने के इल्ज़ाम लगाए और यहां तक कह दिया कि जब से खन्ना में एसएसपी द्यामा हरीश कुमार ओम प्रकाश को लगाया गया है तब से नशे सहित और गैर कानूनी धंधे बढ़ गए हैं। साढ़े पैर दराह मलौद के धड़ल्ले विक रही चाइना डोर के संबंध में बहुत सारिया कंप्लेंटा आ रही सी। इन्होंने कंप्लेंटा संबंधी असी एस एस पी इतों के एस एच ओ दराहा मलौद के बदलने लिए भी कहा पर उन्होंने कन्न से जू नहीं सरकती सी। पता नहीं शायद उन्होंने उतों हिस्सा जाता हो मेरे को जो पत्रकार साहबाना ने आ के इस गल की कंप्लेट की तो असी खुद नाल तहसीलदार साहब नजा के दुकाना से रेड की एक दुकान के सू चाइना डोर के गट्टू मिले ने। इन्हों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए आ और जोड़े पुलिस प्रशासन आ जोड़ा एस एस पी है इतों दम आ जी उन्होंने खिलाफ़ भी मैं मानयोग मुख्यमंत्री साहब को लिख के भेजूँगा क्योंकि साढ़े हल्के जद्दे आए ने नशे का जोड़ा कारोबार वो होर वध फुल रहा जोड़ा चोरे का चोरी लोहे का जोड़ा कारोबार वो भी बहुत वध फुल रहा और ये खिलाफ़ पता नहीं इन्हों हिस्सा जाता जा की जाता ये खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए आ। भाजपा पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जालंधर के लतीफपुरा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने लतीफपुरा निवासियों को कंबल बांटे और उनके साथ बैठकर बातचीत की। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से ये लोग सड़कों पर दिन काट रहे हैं लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। द प्रेस क्लब ऑफ अमृतसर में अमृतसर जिले के मीडिया कर्मियों की ओर से पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार लोहड़ी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया जिसमें डिप्टी कमिश्नर अमृतसर हरप्रीत सिंह सूदन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान प्रेस क्लब में रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर भुग्गा जलाने की रस्म डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने निभाते हुए सभी मीडिया कर्मचारियों एवं उनके परिवार और शहरवासियों को लोहड़ी पर्व की बधाई दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया कर्मियों के साथ भांगड़ा डालकर अपनी खुशी प्रकट की तो वहीं रंगारंग कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मीडिया कर्मचारियों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अलग अलग अंदाज में हिंदी और पंजाबी के गीत पेश किए। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश गिल, उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, सुनील खोसला, सुशील पदम, विक्रम गिल, सुखचैन सागर और क्लब की कार्यकारिणी कमेटी के सदस्यों ने डीसी हरप्रीत सिंह सूदन को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। छोन चाहिए देश पूरे देशवासियों नु लख लख वधाइयां। ये लोहड़ी का त्यौहार 2023 विच तुहाडी जिंदगियां च खूब तरक्कियां खूब खुशियां लेके आवे। अज जिहड़ा प्रेस क्लब दे विच मनाया गया त्यौहार बड़े मेरे लिए मान दी गल है। अज प्रेस दे वीरां ने अमृतसर प्रेस क्लब विच मैनूं सद्दा दित्ता ते असीं बड़ा खुशी नाल ये त्यौहार सारिआं ने मिल के अज इत्थे सैलीब्रेट कीता। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਨੂੰ ਬੋਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਨੇ। ਸੁਰੋਂ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਕੀ ਮੌਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨਕੀ ਪਤਨੀ और फिल्मी अदाकारा अमर नूरी ने पहली लोहड़ी खन्ना में बेटियों के साथ मनाई। आधार दी फाउंडेशन द्वारा करवाए गए समागम में अमर नूरी बतौर मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंची। इस समागम में विधायक तरुण प्रीत सिंह सोंद भी शामिल हुए। इस मौके पर अमर नूरी ने कहा कि समाज में लड़के और लड़की का फर्क खत्म करने के लिए आधार संस्था अच्छा कार्य कर रही है, हमें लड़कों और लड़कियों में फर्क नहीं करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा भी दी। इस मौके पर विधायक तरुण प्रीत सिंह सोंद ने कहा कि आज समाज के किसी भी क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं और लड़कियों की लोहड़ी मनाने का मकसद भी यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। वधिया लगता जो चंगे प्रोग्राम होंगे ने ना, मैं हमेशा जानी हाँ चंगे प्रोग्राम के ना जो कोई मैं कोई संस्था अच्छी संस्था अच्छा काम करने वाले बुलाते हैं तो मैं भज के जानी उ साढ़े भैन जी हरजीत भैन जी का जो फोन आया मैनू तो मैं बड़ी खुशी हुई जो दसिया क्योंकि काफ़ी देर तो इस टीम नाल जुड़े हुए ने। वैसे भी ये बहुत अच्छे काम करते ने, चंगे भलाई के काम करते ने। जो इन्होंने मैं फोन किया तो मैं बहुत चंगा लग्या तो मैं अज आधार टीम के नाल जुड़ी हाँ। इस स्कूल के आई हाँ, टीचर जिन्हें भी है इतने मिली हैं, साढ़े प्रिंसीपल साहब जड़े इतने इस स्कूल के
उन्हां दी एफर्ट इन्नी कीती, उन्हां ने उन्हां दीआं प्राप्तियां देख देख के सुन सुन के मैनूं बड़ी खुशी हो रही सीगी। ने धीआं साडे देश दा, धीआं साडे पंजाब दा, धीआं साडे समाज दा एक गौरव ने। और जे धीआं ना होण तां अज पहले पातशाह गुरु नानक साहब दे बोल ने, सौ क्यों मंदा आखिए दित जन्मे राजान, ओनू किवें माड़ा कह सकदे हो जिहदी कुखों राजे महाराजे, जिहदी कुखों एडे एडे योधे जरनैल पैदा होए, ओहदी कुखों एडे एडे तपस्वी एडे एडे संत महापुरख पैदा होए। जे अज इस धरती दे उत्ते आदमी दा वजूद है तां ओह इक औरत दी बदौलत है। औरत तों बिना आदमी किसी भी मतलब कि जिन्हों खेत्र दे विच अग्गे नहीं वध सकदा। ईवन दैन के आदमी का वजूद ही नहीं हो सकता जे औरत ना होवे। नाभा क्षेत्र से विधायक गुरदेव सिंह देवमान की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहली लोहड़ी पर अपने आवास स्थान पर लोहड़ी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने खुद लोहड़ी के गीत गाकर खूब समा बांधा, तो वहीं लोग भी लोहड़ी के रंग में रंगे हुए नजर आए और विधायक गुरदेव सिंह देवमान के गीतों पर जमकर तालियां बजाई। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ਰਾਂਝਣਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਵੇ, ਰਾਂਝਣਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ, ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈਏ ਵੇ, ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈਏ ਵੇ, ਰਾਂਝਣਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਤੂੰ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਵੇ, ਰਾਂਝਣਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੋਰੀ, ਜਦ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਈਏ, ਜਦ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਈਏ, ਸੋਹਣੀਏ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਜੱਪੀ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਹੀਰਿਆ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੇ, ਰਾਂਝਣਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਮਸਤੂਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇ ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦੋਂ ਮੇ ਹੈ, जिसके चलते शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल के नेता गोविंद सिंह लोंगोवाल के घर के आगे लोगों ने पिछले डेढ़ महीने से पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। लोहड़ी के त्यौहार के दिन वहां पर बैठे लोगों ने रोष के तौर पर अनोखे ढंग से लोहड़ी मनाई, जिसमें उन्होंने एक पुतले पर गोविंद सिंह लोंगोवाल, शिरोमणि कमेटी के सदस्य तेजा सिंह कमालपुर और मलकीत सिंह की तस्वीर लगाकर उसे अपने कंधों पर उठाकर लोहड़ी के लिए जलाए गए भुग्गे में अग्नि भेंट कर दिया। इस दौरान लोहड़ी के त्यौहार के दिन गाए जाने वाले गीत की तरह महिलाओं ने गोविंद सिंह लोंगोवाल के खिलाफ बोलियां डाली और शिरोमणि अकाली दल व ढींडसा परिवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जिहड़ा सानू ये लोग नकम्मे लोग जिहड़े सानू मेडिकल कॉलेज ते हस्पताल मस्तुआना साहब की पवित्र धरती के उत्ते बाबा आतर सिंह जी के नाम के उत्ते साढ़े सीएम साहब ने बहुत चिरां तों लड़कदी मंग नूं इलाके भरती नूं उत्थे सीएम साहब ने साढ़े ने जो मेडिकल कॉलेज के होस्पिटल नींह पत्थर रखे उस जमीन नूं इह लोग एस जी पी सी के प्रधान साहब का वाद विवाद वाली कह के जमीन खाम खा ढिका ला रहे हैं, जदों के कागजों के रिकॉर्ड के स्पष्ट है जमीन अंगीठा साहब की, उस तो बाद इंतकाल मेडिकल कॉलेज ना हो चुके, उसनों वाद विवाद कहते हैं। वाद विवाद कोई नहीं, सिर्फ तो सिर्फ कहें साढ़े वाली बना लो बिना मतलब तो, क्यों उत्थे चौधर इन्हों की ढींढ सके लाने की भी साड़ी चौधर कायम रहे। मस्तुआने उत्ते 40 साल का कब्जा इन्होंने लोगों का, ये हूँ भी इस कॉलेज में एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा अदारा बनना है, करोड़ करोड़ रुपया एक बच्चे की मेडिकल एडमिशन फीस होनी है, वो दिस रही है इन्हों भी साड़ी चौधर कायम रहे इतने असं आपदे वाली बना लीए। यही चीज़ सब तो जी दुखदाई आती है सामने, देखो जदों जोड़े इन्ह के फर्ज से जदों 328-28 स्वरूप जोड़े गायब हुए थे उन्होंने, देखो श्रोमणी कमेटी कदे भी इकट्ठे नहीं हुए ना अज तई बोले है, दो उत्थे बैबल कलां कांड के शहीद होया सिंह उन्होंने नहीं कोई, तो पर अज एक जड़ा इतने मेडिकल कॉलेज हस्पताल बन रहा है जोड़ा ढींडसा वो निकल गया से अज उत्थे इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, भी मतलब अज तई इन्होंने लोगों को गुमराह किया, चंगे कार्ज इन्होंने किए नहीं जिदे करके लोगों के भारी रोस है, जिदे कारण अज लोगों ने इन्हों का बाइकाट किया। मोरिंडा के अरनोली में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन विभाग के सहयोग से छोटी बच्चियों की लोहड़ी मनाई गई। इस मौके पर सैनिटेशन विभाग ब्लॉक मोरिंडा की कोऑर्डिनेटर रमनदीप कौर ने लोगों को साफ पानी और साफ सफाई की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर छोटी बच्चियों ने गिद्धा डालकर सबका मन मोह लिया।
इस अवसर पर सरपंच बलविंदर सिंह संधू, पंचायत सदस्य और यूथ क्लब के प्रधान कमलजीत सिंह अरनोली, परमिंदर सिंह, परमजीत कौर, आंगनवाड़ी वर्कर बलविंदर कौर, हेल्पर सुखविंदर कौर सहित गाँव वासी भी मौजूद रहे। मोरिंडा से हलचल के लिए राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। आज मेरे वालों सारू लोहड़ी दहुत बहुत मुबारक। तिया की लोहड़ी हूँ हर एक जगह मनाई जाती है, हूँ मुंडे और कुड़ियों कोई फर्क नहीं रह गया होगी। जोड़ा हूँ अज का टाइम है ये कुड़ियों ने मुंडिया तो ज़्यादा तरक्या कर लिया। किसी भी डिपार्टमेंट किसी पास में भी देख लो साड़िया धिया हूँ अगले पास मुंडिया तो भी अगे बढ़ रही हैं। और मैं तो आप सबन ये कहता भी हूँ अपने मन में पुराने वहम भरम कर दो भी मुंडे करते माँ बाप की सेवा या धिया कर दी हैं। अजक मुंडिया नालों ज़्यादा धियाँ माँ बाप की सेवा हर पास तरक्की वाल जिधर मर्जी जाओ भी कुड़ियाँ अगे जा रही हैं। सर साडा जल सप्लाई सैनिटेशन डिपार्टमेंट है जिहड़ा हमेशा मतलब एक पानी दे प्रचार से जिहड़ा सॉलिड लिक्विड जिहड़े साडे प्लांट्स लगले ने पिंडा च उन्हां तों बिना असी मतलब ये सोचते हैं कि हर एक खेत्र दे विच औरतां दी जिहड़ी शमूलियत है लड़कियां दी ये मतलब अगाँह वधू विचार वाली हुंदी है। हमेशा घर दा काम तों लैके तुसीं कितें भी देख लो प्रोफेसनली भी औरतां मतलब काफ़ी मल्ला मार रही हैं या घर दे काम च भी सब तों ज़्यादा वाह जिहड़ा है घर दा कूड़ा करकट है चाहे या पीण वाला पानी है उहदे विच इक औरतां दा वड्डा योगदान है। इसलिए मतलब साडा जल सप्लाई सैनिटेशन डिपार्टमेंट हमेशा ही औरतों को लैके अगाँह वधू सोच वाला रहा है। तो असी तरह तरह के मतलब जिदा वूमेन डे ने तो तियाँ या लोहड़ी है तियाँ की ये सैलीब्रेट करते रहने टाइम टू टाइम। तो अज जिहड़ा है असी सरपंच साहब नौली पिंड के पंचायत के सहयोग के नाल अज इन्हां दे पिंडां विच वाटर सप्लाई सहयोग डिपार्टमेंट वालों अज लोहड़ी का त्यौहार मनाया तियाँ की लोहड़ी। ये छोटे जिवें तुसीं कह लो कि एक पंथ दो काज मतलब बच्चों लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया है, बच्चों ने गिद्दा पाया जिहड़ी ये लोहड़ी मनाई है गिद्दा पाया अपने वालों डांस किए ने। नगर कौंसिल सरहिंद के वार्ड नंबर 3 में इलाका विधायक लखबीर सिंह राय की अगुवाई में शहर में सफाई मुहिम शुरू की गई। इस मौके पर एडीसी अनुकृता जोहल विशेष तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर विधायक लखबीर सिंह राय ने कहा कि उनकी ओर से ये सफाई मुहिम ए क्लास नगर कौंसिल की तर्ज पर शुरू की गई है। उनकी ओर से शहर को साफ तथा स्वच्छ बनाने के लिए हर शुक्रवार को एक वार्ड का चुनाव किया जाएगा जिसके तहत वार्ड में सीवरेज को साफ किया जाएगा, गलियों की सफाई करवाई जाएगी और स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इस मौके पर एडीसी अनुप्रीता जोहल ने कहा कि इलाका विधायक लखबीर सिंह राय द्वारा जो मुहिम शुरू की गई है वह उसकी प्रशंसा करती हैं। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और नगर कौंसिल संयुक्त तौर पर काम करेगा। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਤਹਿਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਏ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਚੂੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੋਈ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿੰਦਰ ਕੌਰ MC ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ AD ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ UO ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਟਾਰਟ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਈ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 23 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। गांव भट्ट माजरा में आम इजलास का आयोजन किया गया जिसमें गांव के गणमान्य व्यक्तियों के अलावा डिप्टी कमिश्नर परनीत शेरगिल ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि गांव भट्ट माजरा में दौरा किया गया है। गांव की कुछ समस्याएं हैं जिसमें गंदे पानी की निकासी, पीने वाले पानी की समस्या और कुछ अन्य समस्याएँ शामिल हैं। इस मौके पर गाँव वासियों को बताया गया कि गाँव में कौन कौन सी योजनाएँ शुरू की जा सकती हैं और उक्त योजनाएं 15वें वित्त कमीशन और मनरेगा के सहयोग से पूरी की जा सकती हैं। इस मौके पर ब्लॉक विकास पंचायत अफसर रमेश कुमार, अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे। आज पिंड का दौरा रखा गया से ना, पिंड वासियां नाल सारिया नाल गलबात की गई, जो प्रॉब्लम्स हैगियां इन्हां दियां, कुछ प्रॉब्लम्स गंदे पानी दी निकासी दियां हैगियां ने, पीण वाले पानी दियां हैगियां ने, वो हुण जाके जिहड़े एक्सीएन कंसर्न ने उन्हां नाल मीटिंग करके ते असी कोशिश करांगे कि उन्हां दे जल्द तो जल्द हल निकल सकन।
बाकी पिंड निवासियों नूं अज दस्या गया कि प्रोजेक्ट्स ये कर सकते हैं। 15वें वित्त कमिशन के पैसे तो मनरेगा के किवें कन्वर्जेंस के नाल लगा के पिंड का विकास किया जा सकता है। सो मैनूं उम्मीद है कि सारे मिल के एकजुट हो के ते पिंड दे विकास लई काम करनगे। अज ग्राम पंचायत पटमाजरा ब्लाक सरहंद विखे मानयोग डीसी साहब जी वल्लों पंचायत दे विकास काम देखण अते विकास कामां नूं जारी करवाउण संबंधी मीटिंग कीती गई सी, जिस दे विच वीडियो दफ्तर दे पंचायत अफसर जई साहब, अपने मनरेगा GRS, सारे बाकी होर कर्मचारी दफ्तर दे अते पूरी पंचायत अते प्रासर साहब जी अपने जिन्हां वल्लों डीसी साहब नूं इनवाइट किया गया सी इत्थे कि साढ़े पिंड दी डिवेलपमेंट करवाई जावे, क्योंकि यह अमरीका तो बहुत ही मतलब अपने स्कीमा लैके आते ने ते साढ़े नाल सहयोग करते हुए पूरा सहयोग करके ये अपने पिंड दी डिवेलपमेंट दे विच सहयोग भी करेंगे। पंजाब सरकार की ओर से नवजन्मी लड़कियों की लोहड़ी अलग अलग जगहों पर मनाई जा रही है, जिसमें हरेक क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाली लड़कियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी के तहत गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ राजेंद्रा में पंजाब सरकार की ओर से लड़कियों की लोहड़ी मनाई गई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा महिला व बाल विकास मंत्री बलजीत कौर विशेष रूप से शामिल हुई और नवजन्मी लड़कियों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली लड़कियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि लड़कियों को लड़कों के बराबर मान सत्कार देना चाहिए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अज बठिंडा की धरती तो असी लोहड़ी के पवित्र मौके से त्यौहार के मौके पर यह संदेश दिता पूरे पंजाब दे विच कि धियां की इंपोर्टेंस किसी भी लैवल ते घटनी नहीं चाहिए। धियां की आमद को भी उस तरह ही सैलीब्रेट करना जरूरी है जिन्ना कि असी पुत्रां की आमद ते करते हैं। सो कोई भी त्यौहार सिर्फ मर्दा तक या लड़कियां तक सीमित नहीं रहेगा, औरतां भी उसनू उसे ही तरीके नाल सैलीब्रेट करना। लोहड़ी का त्यौहार जहां प्रत्येक व्यक्ति की ओर से अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वहीं बठिंडा में विद्यार्थियों की ओर से नई मिसाल पेश करते हुए अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा कर जरूरतमंद लोगों को लोहड़ी बांटकर इस त्यौहार को मनाया गया। इन विद्यार्थियों की ओर से अपनी ये मुहिम बठिंडा वेलफेयर सोसाइटी के साथ शुरू की गई। इस मौके पर टीम की सदस्य पल्लवी ने बताया कि उनकी ओर से जरूरतमंद लोगों को लोहड़ी बांटी जा रही है ताकि लोग खुशी से इस त्यौहार को मना सकें। बठिंडा के जेहड़ा चौक में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए टीम सदस्यों की ओर से रिक्शा चालकों और गरीब लोगों को लोहड़ी बांटी गई। इसके अलावा उन्होंने शहर के अलग अलग इलाकों में भी जाकर जरूरतमंद लोगों को लोहड़ी बांटी। मेरा नाम पल्लवी है, असी टीम सेवा बठिंडा। असी हर साल की तरह सारे टीम सेवा बठिंडा के मेंबर्स मिलके नीडी लोगों के नाल अपना लोहड़ी सैलीब्रेट कर रहे हैं। असी साड़ी ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश रहती है असी अपना हर त्यौहार इन्हों लोगों के नाल सैलीब्रेट करिए, जिद सू बहुत खुशी मिलती है। असी अपने बर्थडेज़ भी इन्हों ही सैलीब्रेट करते हैं, तो जिमें कि हम तुम देख रहे हो असी सड़क पर नीडी लोगों वंड रहे हैं लोहड़ी। उ असी रात में भी जो लोग सड़क पर सौंदते हैं नीडी लोग ने उन्होंने कंबल वगैरह दें, उन्होंने खाना वगैरह दें। इस तरह असी सारे मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सारे, बस जो मैंबरस है साढ़े, हाँ जी सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं। सुबह एक नौजवान की ओर से बठिंडा थर्मल झील में छलांग लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही नौजवान वेलफेयर सोसाइटी तुरंत मौके पर पहुंच गई और उनकी ओर से नौजवान को ढूंढने की कोशिश की गई पर सफलता हासिल ना हुई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ समय के बाद नौजवान की लाश बरामद हुई, जिसके बाद शव को नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मृतक की पहचान आकाशदीप सिंह निवासी अमरपुरा कोठे के तौर पर हुई। मैं गौतम शर्मा वॉलंटियर ऑफ नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा। साडे एमरजेंसी नंबर से सानू 6 बजे सूचना मिली सी इत्थे किसी परसन ने छाल मारी है। साडी टीम मौके पर पहुंची तो असी चैक किया कि कोई भी पता नहीं लग्या, बट बॉडी में मीनस बंदा डैडी सी कि बॉडी नीचे सी। असी साडी टीम वालों तो
ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ NDRF ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਅਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ਲੀ ਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ, 32 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਕਾ ਪਰਵ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪਰਿਸਰ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਓਂ ਵ ਅਧਿਕਾਰੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕਰ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਮਨਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸਕੋ ਨਿਭਾਨਾ ਹਮ ਸਭ ਭਾਰਤੀਓਂ ਕਾ ਕਰਤਵਯ ਹੈ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਕੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸੀ ਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਕੋ ਮਨਾਇਆ। ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਵਨ ਬੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਭੀ ਕੋ ਲੋਹੜੀ ਪਰਵ ਕੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਦੀ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਮੰਗਲਮਏ ਹੋ ਔਰ ਸੁਖਮਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਮਤਾ ਧਰਮਪਾਲ, SBI ਵੈਲਥ ਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ OP ਬੰਗਾ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਓਂ ਪਰ ਏਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। संगरूर के गांव छाहड़ में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हुई मौत, एक गंभीर घायल। जालंधर की गीता कॉलोनी में चोरों ने NRI की कोठी को बनाया निशाना, AC, फ्रिज और LED सहित कई सामान चोरी कर हुए फरार। बठिंडा में ऑनलाइन चाइना डोर की बिक्री का मामला आया सामने, पुलिस जाँच में जुटी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।